नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली में देर रात एक आदेश पारित होता है और इस आदेश के मुताबिक 5000 शिक्षकों का तबादला कर दिया जाता है। जैसे ही ये खबर सामने आती है आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच जाता है। आतिशी सबसे पहले परेशान हो जाती हैं और आरोप लगाती हैं कि बीजेपी ये साजिश के तहत करवा रही है, दिल्ली सरकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन शिक्षकों का तबादला एक बड़े भ्रष्टाचार के तहत किया गया है। तो आम आदमी पार्टी सुबह से लेकर इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और लगातार बीजेपी को घेर रही है। दरअसल हुआ यह था कि कुछ वक्त पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशक की तरफ से, और कहा गया था कि शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे एक नीति के तहत, जिसमें एक किसी भी शिक्षक का एक स्कूल में 10 साल तक रहना अनिवार्य नहीं है। उस नोटिफिकेशन पर फिर आतिशी ने ब्रेक लगा दिया, एक बैठक बुलाई, लेकिन उस बैठक के बाद अगले दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सभी 5000 शिक्षकों के तबादले जारी होंगे। तो अभिषेक, जिस तरीके से यह खबर सामने आती है और आम आदमी पार्टी बवाल मचाने खड़ी हो जाती है, क्यों आम आदमी पार्टी ऐसे करे? क्योंकि ये तो नीति है ना, इस नीति का तो पालन किया जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी को सिर्फ मुद्दे चाहिए होते हैं मीडिया की हाईलाइट में, मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए। 11 तारीख में, मतलब 11 जून में ये आदेश जो है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया, दिल्ली शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। उसके बाद शिक्षक उस आदेश में कहा गया कि आप जिन शिक्षक उन शिक्षकों के लिए आदेश जारी हुआ जिन्हें किसी स्कूल में 10 साल या उससे ज्यादा पढ़ाते हुए हो गए थे, और नीति नियम ये कहते हैं कि 10 साल से ज्यादा जिस शिक्षक को एक स्कूल में हो गए उसका तबादला हो जाएगा। तो जिस वक्त 11 जून को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो इसमें इस नोटिफिकेशन में साफ मेंशन था कि आप अपनी प्राथमिकता भी बता सकते हैं। आप अपनी प्राथमिकता बताइए कि आपको इस स्कूल में अगर आप पढ़ाते हैं और आपका तबादला हो रहा है तो आप इस स्कूल में जाना चाहते हैं या इस स्कूल तक पहुंचना आपके लिए जो है वो आसानी से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसको लेकर शबनम, इस आदेश को लेकर दिल्ली के कुछ शिक्षक एक जो है एक मंडल बना, एक कुछ लोग इकट्ठे हुए, एक समूह बना और वो दिल्ली की मंत्री आतिशी से मिला। तो आतिशी जी ने अभी 4 दिन पहले एक प्रोग्राम में कहते हुए इस पर रोक लगा दी कि ये 5000 जो शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश आया है वो नहीं होगा। वो उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया, उन्होंने तर्क दिया कि 10 साल में जो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने बहाल की है, एक मैन टू मैन जो कनेक्शन बच्चों का और अध्यापकों के बीच एस्टेब्लिश हुआ है, जिसके बाद से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हुई है। उसका कारण यही है कि एक टीचर लगातार लंबे वक्त से एक स्कूल में पढ़ा रहा है, उसे पता है किस तरीके से बच्चों को टैकल करना है। अभिषेक, एक चीज और, जैसे कि तबादले की खबर आई, 5000 शिक्षकों के तबादले कर दिए गए, तो इसमें आम आदमी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का एक जरिया है। आखिर जब तबादले हो गए शिक्षकों को, अपना स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में तैनात किया जाएगा, तो इसमें भ्रष्टाचार की कहानी कहां से आ गई? क्योंकि इसमें किसी की पोस्टिंग नहीं की जाएगी, किसी की नई ज्वाइनिंग नहीं की जाएगी, तो फिर ये भ्रष्टाचार की बात क्यों आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश? मैं वही जा रहा था शबनम, के बच्चों का मैन टू मैन कनेक्शन बन चुका है। अब एक अध्यापक, आप समझिए, एक अध्यापक 10 साल से एक स्कूल में पढ़ा रहा है, जाहिर सी बात है जिस स्कूल में पढ़ा रहा है उसके आसपास ही उसका घर मकान होगा, उसी हिसाब से अध्यापकों को ये जो है सरकार की तरफ से भी ये प्लस पॉइंट दिया जाता है कि आपके घर से जो विद्यालय नजदीक है आप उसी में जाकर पढ़ाएं। तो अब वो विद्यालय, वो जो शिक्षक हैं वो उन स्कूलों से नहीं हटना चाहते क्योंकि वो आसानी से वहां जा सकते हैं। अब जहां तबादला उनका हुआ है, किसी का स्कूल 20 किलोमीटर है, किसी का स्कूल 15 किलोमीटर है, किसी का स्कूल 25 किलोमीटर, तो ये दूरी वो तय नहीं करना चाहते, वो एक कंफर्ट जोन में है। साथ में यहां प्रभावित होता है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का वोट बैंक। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लगता है, शायद ऐसा हो सकता है कि लगता है कि ये जो अध्यापक हैं वो उनका वोटर है, और अगर उनका तबादला किया जाएगा, 5000 शिक्षक हैं और एक शिक्षक के घर में अगर 4 लोग भी होंगे तो 20-25 हजार का वोट बैंक उनका प्रभावित हो जाएगा। और विधानसभा चुनाव अब आने वाले वक्त में जो है नजदीक है दिल्ली के, कभी भी जो है इसी साल आम आदमी जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है, गोपाल राय भी सामने आया, आतिशी सिंह भी सामने आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी इस फैसले से भ्रष्टाचार करना चाहती है। अब जो पार्टी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसे तो हर फैसले में भ्रष्टाचार ही दिखाई देगा। और उसके पीछे का तर्क ये है आम आदमी पार्टी का कि पहले तो बीजेपी ने ये ट्रांसफर कर दिया, अब पहले तो मुझे यह समझ नहीं आता कि दिल्ली में सरकार किसकी है, दिल्ली में सरकार
आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की है या फिर बीजेपी की है। अगर यह फैसला लिया गया, आतिशी सिंह का मंत्रालय है और आतिशी सिंह का सीधा इंटरफेयर है, उन्होंने कह दिया कि भाई ये आप ट्रांसफर मत करिए, उसके बावजूद भी अगर ट्रांसफर किया गया है तो जाहिर सी बात है झोल तो कुछ ना कुछ है। अब तर्क यह आम आदमी पार्टी का कि ये ट्रांसफर कर दिए गए पहले तो, और अब ट्रांसफर रोकने की जब बात आएगी, तबादलों को रोकने की जब बात आएगी तो बीजेपी यहां मोटा भ्रष्टाचार करेगी और उन शिक्षकों से पैसे खाएगी, उन शिक्षकों से उन्हीं स्कूलों में रहने के लिए पैसे खाएगी। और अगर ऐसा होता है तो क्या फिर आम आदमी पार्टी खुद इस सवाल को नहीं उठा सकती कि 5,000 में से अगर कुछ शिक्षकों ने पैसे दे दिए और उनका आम आदमी पार्टी के मुताबिक, मैं आम आदमी पार्टी को कोट कर रहा हूं, अगर आम आदमी पार्टी के मुताबिक कुछ शिक्षकों ने पैसे दे दिए उनके तबादले रुक गए, तो फिर भी तो आम आदमी पार्टी सवाल उठा सकती है कि जब 5,000 शिक्षकों के तबादले किए थे तो फिर ये कुछ शिक्षक 100, 200, 500 हजार कैसे अपने ही स्कूल में रह गए। तो जी, तो जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त जो पार्टी है वो उसे हर काम में भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। फिलहाल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये आतिशी के फैसले को चोट पहुंची है, इसलिए आतिशी बौखलाते हुए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। लेकिन गोपाल राय ने क्या कुछ आरोप लगाते हुए कहा है वो आपको सुनवाते हैं। भाजपा का काम रोको अभियान धीरे धीरे अब अपने चरम की तरफ अग्रसर हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण सामने आया है। बिना किसी तथ्य के, बिना किसी अवलोकन के, बिना किसी मार्किंग के, एक साथ दिल्ली के रातों रात 5,000 टीचर्स को उठा करके दूसरे स्कूल में फेंक दिया। एक लाइन के आधार पर 11 जून को शिक्षा विभाग के अधिकारी आदेश निकालते हैं कि कोई भी शिक्षक जो एक स्कूल में 10 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा है उसको उठा करके वहां से फेंक दिया जाए। अब जब नया दाखिला, नई पढ़ाई का सेशन शुरू हो रहा है, आपने उठाकर फेंक दिया, आपको कोई इससे मतलब नहीं है। लोगों ने अपने बच्चों की तरह, टीचरों ने उन बच्चों को पाला पोसा है और बड़ा किया है, उनको समझाया है। इसलिए ये साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम रोको अभियान दिल्ली के अंदर जारी है, उसका सबसे खतरनाक चेहरा दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने का ये सामने आया है, जिसका ये पहला एक्शन उन्होंने, भाजपा ने लिया है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में लेकर के लिया है, ये दिल्ली के लोगों को मंजूर नहीं है। शिक्षकों के यूनियंस को भी, शिक्षकों को भी ये मंजूर नहीं है। 1 जुलाई को दिल्ली के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के सचिव, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, निदेशक के साथ मीटिंग करके आदेश देती है ये ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, लेकिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद 2 जुलाई को रातों रात 5,000 शिक्षकों को उठाकर के फेंक दिया। इस ट्रांसफर को तुरंत रोका जाए और जो चारों तरफ से आवाज उठ रही है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग भ्रष्टाचार के लिए किया गया है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग इसलिए शुरू किया गया है कि इसमें पैसा खाया जा सके। इसको तुरंत एलजी साहब हस्तक्षेप करके इसको रोकें, इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच किया जाए और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। कम से कम ये कलंक भाजपा अपने सर पर न ले कि कामों को रोकते रोकते इतना चस्का लग गया है कि अब बच्चों के भविष्य को भी दाव पर लगाएगी। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, इस काम रोको अभियान को कम से कम बच्चों से दूर रखिए। तो गोपाल राय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बता दिए थे कि जिस वक्त जो दिल्ली के सचिव हैं उन्होंने जब ये शीश महल का जो घोटाला है, इसमें जो 48 करोड़ रुपए की जो रकम लगी है, उसका जब चिट्ठा खोला था और फाइल गायब इधर उधर होने की बात हुई थी, तब अरविंद केजरीवाल ने कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला उठाया था और किस तरीके से छाती पीटने का काम किया था। खैर, अब आतिशी सिंह ने एक नोटिस शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा निदेशक को जारी कर दिया है कि इसे रोका जाए। और जिस तरीके से इनडायरेक्टली अब आम आदमी पार्टी के नेता इनडायरेक्टली दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के एलजी पर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिल्ली के एलजी भी अब पीछे नहीं रहेंगे इस मामले में आतिशी सिंह के ऊपर एक्शन लेने में। तो क्या कुछ है इस पूरी खबर पर आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।